अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, वेलकम टू फीस्ट एंड आर्ट बाय नुसरत। सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज मैंने जो वीडियो बनाया है वो यूट्यूब पे है, कि मैंने यूट्यूब वीडियोस कब बनाना स्टार्ट किया, क्यों और कैसे स्टार्ट किया था। सो, मुझे यूट्यूब की नॉलेज नहीं थी कि किस तरीके से वीडियोस बनाया जाता है, अपलोड किया जाता है, किस तरीके से शूट किया जाता है। मैं जस्ट वीडियोस देखा करती थी जब मैं कभी फ्री होती थी या इवनिंग टाइम में कुछ कुछ वीडियोस मैं कभी देख लेती थी। मेरे बच्चों ने मुझे मोटिवेट किया कि मम्मी आप कुकिंग कर लेते हो, सो, आप वीडियोस बनाइए, हम अपलोड करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। मुझे भी लगा कि सपने जब सच होते हैं जब इसके लिए काम किया जाए। सो, मैंने कहा ठीक है स्टार्ट करते हैं। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे एडिटिंग कैसे करते हैं, शूट कैसे करते हैं या किस तरीके से वीडियोस अपलोड होता है बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। मैंने खुद भी एक्चुअली कभी ये सोची नहीं थी कि मैं यूट्यूब पे अपना चैनल बना लूँगी या मैं वीडियोस अपलोड कर सकूँगी। वैसे यूट्यूब एनालिटिक्स के हिसाब से जब मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया था 17 दिसंबर 2014, उस वक्त मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखा करती थी, बहुत ज़्यादा नहीं, कभी कभार देखती थी। जब मैंने मेरा फ़र्स्ट वीडियो पब्लिश किया 30 मई 2018, रमज़ान का टाइम था और मेरा फ़र्स्ट वीडियो मेरे बच्चों ने, सिद्दीक और अहमद ने शूट किए, एडिट किए थे और अपलोड किए थे। उस वक्त मेरे चैनल का नाम था मज़ेदार पकवान और बाद में मैंने चेंज किया था फीस्ट एंड आर्ट बाय नुसरत से। जैसे कि उस वक्त रमज़ान था और डेली हम बनाते ही हैं कुछ ना कुछ, तो उस वक्त मैंने सबसे पहले जो वीडियो शूट किया था वो था साबुदाना वड़ा। उसके बाद में काफ़ी वीडियोस मैं अपलोड करती रही और ये सोची थी कि कैसे यूट्यूब चैनल ग्रो होगा, तो उसके लिए काफ़ी सारे मैं टेक्निकल वीडियोस देखती थी, जिससे मुझे ये पता लगा कि 2018 में यूट्यूब की ये कंडीशन थी कि 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच टाइम आवर्स होने चाहिए विद इन अ ईयर। मैं यही सोचती थी कि किस तरीके से होगा ग्रो, क्या करना चाहिए। फिर एक महीने के अंदर मेरे 100 सब्सक्राइबर हुए और मुझे एक मेल आया यूट्यूब की तरफ से। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई इस अचीवमेंट के लिए। मुझे लगा कि बिल्कुल पॉसिबल है, अगर आप खुद पे यकीन रखते हैं तो सब कुछ कर सकते हैं, अगर आपको खुद पे यकीन हो तो। फिर मैंने डेली वीडियोस बनाना और अपलोड करना स्टार्ट कर दिया बिना ये सोचे कि अब कब 4000 आवर्स कंप्लीट होंगे या मेरे सब्सक्राइबर्स कब कंप्लीट होंगे। मैं जस्ट वीडियोस बनाती थी और अपलोड करती थी, जिससे मेरे कुछ वीडियोस काफ़ी अच्छे हो गए, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए, कमेंट्स आए, जैसे नान सैंडविच, ज़बान का सालन, खीरी, तिल्ली, रशियन कबाब और भी हैं कुछ वीडियोस जिसके मेरे उस वक्त काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए थे और कमेंट्स आए थे। फिर मैं जब भी वीडियोस बनाती, फेसबुक पे, गूगल पे, व्हाट्सएप पे, इस तरीके की सारी सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस को शेयर करती थी। ऑफिशियली मैंने फेसबुक पे अपना एक अकाउंट बनाया मज़ेदार पकवान के नाम से उस वक्त, और काफ़ी सारे ग्रुप्स ज्वाइन की कुकिंग के, जायके का सफ़र, रसोई, विकास खन्ना वगैरह, काफ़ी सारे ग्रुप्स ज्वाइन किए और अपनी वीडियोज़ को शेयर करती थी मैं। बट फ्रेंकली स्पीकिंग, इन सब से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स या व्यूवर्स नहीं बढ़ रहे थे। मुझे रियलाइज़ हुआ कि सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है वो है हार्ड वर्क। आपका हार्ड वर्क, आपका बेस्ट ही आपको सक्सेस की तरफ ले जा सकता है। काफ़ी बिजी शेड्यूल हो गया था मेरा, क्योंकि घर का काम होता था, बच्चों का, हस्बैंड का, और साथ ही साथ वीडियोस शूट करना, एडिट करना, अपलोड करना, काफ़ी बिजी रूटीन हो गया था मेरा। वीडियोस बनाने टाइम मेरी ये कोशिश रहती थी कि मैं डिफरेंट तरीके से शूट कर सकूं और उसे डिफरेंट तरीके से एडिटिंग कर सकूं, अपने वीडियो का कंटेंट अच्छा रखूं, थंबनेल वगैरह जो मैं टेक्निकली सीखती थी, ताकि मेरा चैनल अच्छे से ग्रो हो सके। कुकिंग वीडियोस के साथ मैंने कुछ DIY वीडियोस भी अपलोड किए। कुकिंग वीडियोस में मेरा चिकन सिजलर काफ़ी अच्छा हिट हुआ, काफ़ी व्यूज़ और कमेंट्स आए उस पर मुझे, लोगों ने बहुत पसंद किया चिकन सिजलर मेरा, बहुत अच्छा व्यूज़ हुआ। मुझे बड़ी खुशी होती थी जब भी उस पर कोई अच्छा सा कमेंट आता था,
मैं प्रॉपर उसे हमेशा रिप्लाई करती थी उस कमेंट पे। और फिर जो कि टारगेट था यूट्यूब का 1000 सब्सक्राइबर्स का विद इन अ ईयर, तो मेरे सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके थे। ग्रेट अचीवमेंट था, बहुत खुशी हुई कि मेरे सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो फर्स्ट टाइम आर्स था 4000, वो मेरा कंप्लीट नहीं हो सका। बट ठीक है, एक दिन वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ये सोच के मैं वीडियोस अपलोड करती रही। इसी दौरान मेरा बेटा मोहम्मद अहमद 10th में आ गया और मुझे यूट्यूब से ब्रेक लेना पड़ा। मैंने वीडियोस अपलोड करना बंद कर दिया क्योंकि उस वक्त अहमद 10th में था और उसे मेरी बहुत ज़रूरत थी। वो बहुत टाइम मेरे साथ ही कंफर्टेबल होता था, जब मैं उसके साथ बैठ के पढ़ाती थी या जब वो पढ़ता था तब उसके साथ मैं बैठती थी, या जब उसे किसी चीज़ का टेंशन होता था उसकी पढ़ाई को लेके या किसी और बात से, तब वो मेरे साथ ही कंफर्टेबल फील करता था। तो मुझे लगा उसे मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, सो मैंने यूट्यूब से ब्रेक लिया। और सुफियान को भी उस वक्त बहुत संभालना पड़ता था कि बिल्कुल अहमद को डिस्टर्ब नहीं करें। उस दौरान मैं काफ़ी सारे वीडियोस देखती थी, रूबी का किचन, रूबी जी जो मेरी फेवरेट है, उनका बनाने का, खाना बनाने का स्टाइल, उनके बर्तन, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मुझे बहुत एडमायर करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरी फेवरेट यूट्यूबर है रूबी जी। और साथ ही साथ मैं देखती थी मरियम परवेज़ की वीडियोस, इनका हेयर और स्किन का ट्रीटमेंट वगैरह, इनकी एनर्जेटिक वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा लगता है मुझे। इनका जो ये समर सीरम था ये मैंने ट्राई किया था और मुझे इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। उसके लिए देखिए, ये मैंने ऑरेंज एसेंशियल ऑयल लिया था और टी ट्री एसेंशियल ऑयल, साथ ही साथ ये विटामिन ई के कैप्सूल्स। मेरे पास बायो ऑयल की ये खाली बॉटल रखी थी जिसमें मैंने ये सारे ऑयल्स मिक्स कर दी और इस तरीके से इसका सीरम रेडी किया था। काफ़ी देखिए एब्जर्व हो जाता था, बिल्कुल स्किन पे स्टिकनेस नहीं होती थी और एब्जर्व हो जाता था और स्किन शाइन करने लगती थी। आई होप कि आप देख सक रहे हैं। इसी दौरान एग्ज़ाम्स फिनिश हो गए। एग्ज़ाम्स ओवर होते ही बड़ी खुशी हुई, बड़ा रिलैक्स फील हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि जैसे ही एग्ज़ाम फिनिश हुए वैसे ही फ़ौरन लॉकडाउन हो गया और लॉकडाउन की वजह से पूरा रूटीन ही चेंज हो चुका था। और फिर कुछ टाइम बाद रमज़ान स्टार्ट हो गया जो कि लॉकडाउन में ही था। बट द होली मंथ वॉज रियली ब्लेसिंग फॉर मी। हुआ ये कि उस वक्त शायद लोग घर में होने की वजह से यूट्यूब के वीडियोस देखते थे, रमज़ान था, तो मेरा जो 4000 आवर्स था वॉच टाइम का वो कंप्लीट हो गया बहुत ही जल्दी। और मेरा चैनल एक ही दिन में रिव्यू में गया और मोनेटाइज हो गया, इनेबल हो गया। बहुत बहुत खुशी हुई मुझे कि अब मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था, मुझे मेल आया, मेरे वीडियोस के लिए अर्निंग स्टार्ट हो गई। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बड़ा अचीवमेंट था ये, बहुत ही प्राउड फील हो रहा था और बहुत ही कॉन्फिडेंट फील हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि वापस से मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियोस अपलोड करना। मैंने कुछ वीडियोस बनाना स्टार्ट किए, उस वक्त लॉकडाउन भी था, तो मैंने बटर चिकन, हैदराबादी चिकन, सीख कबाब और फिर थोड़े बहुत बिज़ी रूटीन वगैरह। फिर मुझे लगा कि मुझे व्लॉगिंग भी करना चाहिए, बट व्लॉगिंग मेरे लिए बिल्कुल डिफ़िकल्ट था। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरीके से वीडियोस को शूट करूं या किस तरीके से मैं एडिटिंग वगैरह करूं, कैमरे के सामने किस तरीके से फेस करूं, कैमरे में आके खुद बात करूं। एक दो बार मैंने ट्राई भी किया बट मुझसे बिल्कुल नहीं हो सका। सो मुझे लगा कि ये मुझसे नहीं होगा कि मैं कैमरे को फेस करूँ। मेरी फेवरेट ब्लॉगर हैं मॉमटेस्टिक बाय शमशीरा। मैं इनके काफ़ी वीडियोस देखती थी, इनकी जो व्लॉगिंग है वो मुझे बहुत पसंद है। काफ़ी सारे ट्रैवल ब्लॉग्स और इनका जो डेली रूटीन का डे इन माय लाइफ ब्लॉग मुझे बहुत पसंद आया। सो मैंने ट्राई किया व्लॉगिंग करना। व्लॉगिंग्स के लिए मैंने कुछ वीडियोस बनाए जिसमें मैंने कुकिंग, अपना डेली रूटीन, क्लीनिंग, इस तरीके से मैंने कुछ वीडियोस ब्लॉग्स बनाए और मैंने इसे अपलोड किया। जो लोगों को अच्छा लगा,
मैंने ये ट्राई किया कि मैं डिफरेंट तरीके से अपने कैमरे का प्लेसमेंट दूँ या एडिटिंग करूँ। सो मैंने ट्राई किया और मुझे खुद भी अच्छा लगा देख के वीडियो कि हाँ मैंने सही तरीके से कोशिश की थी। लोगों के कमेंट भी काफ़ी आए थे, काफ़ी लोगों ने पसंद किया मेरे इस तरीके से एडिटिंग करना और व्लॉग्स बनाना। बट स्टिल मुझे कैमरे के सामने आने के लिए अब भी बड़ी शाय फील होता था और मैंने अब तक की कैमरा फेस नहीं की हूँ। बट मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ और ये उम्मीद से कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा और आप लोग आगे भी मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे जिस तरीके से आप लोगों ने अब तक मुझे सपोर्ट किया है। मेरे क्लीनिंग वीडियो में ये मैंने स्प्रे मॉप यूज़ किया था जो लोगों को काफ़ी पसंद आया। काफ़ी लोगों ने मुझे इसके बारे में पूछा और ऑर्डर भी किया था अमेज़न वगैरह से। सो इस तरीके से मैंने कुछ कोशिश की हूँ व्लॉगिंग की ये उम्मीद से कि आप लोगों को पसंद आएगा। मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, ना ही तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ आता है, बिकॉज मैं बीच बीच में मेरा लिंक जो है वो टूट जाता है किसी न किसी वजह से। बट स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मोर देन 3K हैं और अल्लाह का शुक्र है कि मेरा चैनल ग्रो हो रहा है। कुछ वीडियोस मेरे ऐसे हैं जो कि यूट्यूब पेज पे हैं और उसके काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते हैं और कमेंट्स भी आते हैं। सो उम्मीद है इंशाल्लाह आगे भी इसी तरीके से मेरा चैनल और ग्रो हो जाएगा और आप लोगों के कमेंट इसी तरह आते रहेंगे ताकि मेरा कॉन्फिडेंट बरकरार रहे और मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस बना के अपलोड कर सकूं। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और बताइए कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं इंशाल्लाह व्लॉग्स, रेसिपीज़ और अपनी रूटीन आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आप ज़रूर कमेंट में मुझे लिखिए। मैं आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह अपने किसी नए व्लॉग या वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।